Very good morning, students. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 6. Now today we continue chapter 5, decimals, and today we do exercise 5.3, part 2. Now see in the book. This is your maths book, maths of class 6. Now open exercise 5.3. See here. This is the exercise 5.3, and today we do question number 3, 4 and 5. Now first we do question number 3. Convert into meters. यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ सेंटीमीटर में हैं, कुछ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में हैं, तो हमें इन्हें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। नाउ सी, ए पार्ट इज 2 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। नोटबुक, ए पार्ट इज 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल। अब 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना होता है बच्चों? 1/100 मीटर। अगर हम अपोजिट करके देखें तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है। अब हमें किसका निकालना है? 2 सेंटीमीटर। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 100 से इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, बन गया मीटर। अब देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेम उसी तरह से करना है। नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, और ऊपर डिजिट हमारी ये 1 डिजिट है, तो इसमें कितने डिजिट कम है बच्चों? 0 के इक्वल करने के लिए 1 डिजिट, यहाँ 1 0 हम लगा देते हैं। तो ये देखो 2 डिजिट बन गई। अब यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये खाली खाली लग रहा है, तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं। ये बन गया मीटर। तो 2 सेंटीमीटर में 0.02 मीटर होता है। This is the answer. Now see B part. 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यही लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। अब ये लिखेंगे हम 65 सेंटीमीटर इक्वल, अब 65 को हम अपॉन 100 एंड डिवाइड कर देंगे 100 से, ये बन गया मीटर। अब देखो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नीचे कितने जीरो हैं? 1 2, तो ऊपर डिजिट देखो कितनी है? 1 2, इसके इक्वल है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब नीचे हम लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर डेसिमल, यानी जितने जीरो यहाँ होते हैं उतने ही डेसिमल के बाद यहाँ पर हमें डिजिट लिखनी होती हैं। अगर डिजिट कम होती है तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं, अगर पूरे डिजिट है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए यही हुआ है, यहाँ 2 जीरो हैं और हमारे पास डिजिट भी 2 हैं, तो हम 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि यहाँ तो खाली खाली लगा हुआ है, बन गया मीटर। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी सी पार्ट। This is the C part, 218 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वही लाइन लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। अब ये लाइन लिखनी है 218 सेंटीमीटर इक्वल 218/100, बन गया मीटर। अब देखिए यही नंबर हम लिख लेंगे पहले,
अब नीचे कितने जीरो हैं, 1, 2, तो हम यहाँ से 2 डिजिट गिनेंगे, 1, 2 और यहाँ पर पॉइंट। अगर एक्स्ट्रा डिजिट है तो वो हम पीछे छोड़ देंगे, सिर्फ हमें 2 डिजिट ही काउंट करनी है और डेसिमल लगाना है। तो ये बन गया मीटर, यानी 2.18 मीटर। इसी तरह से डी पार्ट, दिस इज द क्वेश्चन, यही लाइन हम सबसे पहले लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अब ये लाइन हम कंप्लीट लिखेंगे, 4 मीटर 7 सेंटीमीटर इक्वल। अब इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग, मीटर अलग और सेंटीमीटर अलग। तो 4 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, देखो ये तो पहले से ही मीटर में है, तो इसे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये हमारा सेंटीमीटर में है तो हम इसे चेंज करेंगे। तो ये हम इसी तरह से लिख लेंगे इसको, अब 7 सेंटीमीटर इसे हमें चेंज करना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ये बन गया मीटर। देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो ऊपर हमारी 2 डिजिट होनी चाहिए, तो एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ पर 10 लगा देंगे तो 2 बन जाएगा, 0.07, तो 2 डिजिट हो गई। अब यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे, देखो ये भी मीटर और ये भी मीटर। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, देखो ये 4 है, इसे हम डेसिमल से पहले, ये 0 है, इसमें हम प्लस करेंगे, 4 and 0 4, यहाँ 4 point, अब ये इसी तरह से लिख देंगे 0.07 meter, सो दिस इज द आंसर, 4.07 meter। इसी तरह से बच्चों ई एंड एफ आप अपने आप करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर, सीन द बुक, कन्वर्ट इंटू किलोमीटर। अब ये नंबर्स हैं, ये मीटर में दिए हुए हैं, कुछ किलोमीटर और मीटर दोनों में दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से हमने इसको किया था, देखिए किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सी ए पार्ट, 7 मीटर, इसे हमें किलोमीटर में करना है। तो बच्चों ये मीटर है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर इक्वल, अब 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। अब इसके बाद ये लिखेंगे हम 7 मीटर इक्वल, अब 7/1000, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा किलोमीटर। अब देखिए कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, तो ऊपर डिजिट कितनी होनी चाहिए, 3 डिजिट, लेकिन डिजिट तो 1 है, तो अभी 2 डिजिट कम है, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये 3 डिजिट बन गई। अब यहाँ पॉइंट, अब ये 0, तो ये बन गया किलोमीटर। इसी तरह से देखिए बी पार्ट, मीटर है तो 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। अब ये से लिखेंगे हम 53 मीटर, और 53 को हम डिवाइड करेंगे यानी अपॉन 1000, देखिए 1, 2, 3 जीरो हैं, तो ऊपर 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन हमारी 2 डिजिट हैं, अब 1 डिजिट कम है, तो यहाँ 10 लगा देंगे, ये हो जाएगा 053, तो ये 3 डिजिट हो गई। अब यहाँ पॉइंट, ना कुछ नहीं है तो 0, ये हो गया किलोमीटर, दिस इज द आंसर। नाउ सी सी पार्ट, इसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। अब यही नंबर लिखेंगे, 482 मीटर इक्वल, पहले हम ये लिखेंगे अपॉन 1000, ये बन गया किलोमीटर। देखो 1, 2, 3 जीरो हैं, तो ऊपर डिजिट हम गिनेंगे 3, 1, 2, 3, ओ ये तो इक्वल है, बराबर है,
तो हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। देखिए पॉइंट 482, 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया, यहाँ ज़ीरो, ये बन गया किलोमीटर। दिस इज द आंसर। उसी दीपा मीटर है, लिखेंगे 1 मीटर इक्वल 1/1। था बच्चों ये लाइन्स हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। अब ये नंबर लिखेंगे हम इक्वल, अब इसी नंबर को फिर यहाँ लिखेंगे हम, और अपॉन 1000 किलोमीटर। देखो 1 2 3 0 है, तो देखो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 5 और 4 के बीच में। देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, इसके इक्वल है, तो ये हमारा किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी ई पार्ट, इसमें किलोमीटर और मीटर दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले हम वही लाइन लिखनी है, 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। अब ये लाइन हम पूरी पूरी लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले बच्चों जब हमारे पास टू वैल्यू होती है तो इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो 12 किलोमीटर हम अलग लिखेंगे प्लस 65 मीटर अलग लिखेंगे। अब ये दो ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसे हमें चेंज करना है, तो ये हम इसी तरह से लिखेंगे सेम। अब 65 के नीचे हम ये 1000 लिख देंगे, ये भी बन गया किलोमीटर। अब देखो इसको हम इसी तरह से लिखना है। अब 1 2 3 0 है, तो ऊपर 3 डिजिट होनी चाहिए, 1 2। अब एक डिजिट कम है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, फिर पॉइंट, यानी कि 0 6 5, तो 1 2 3 डिजिट हो गई। अब यहाँ पॉइंट, फिर 0 किलोमीटर। देखो दोनों किलोमीटर बन गया। अब इन्हें हम प्लस करेंगे, देखो ये इस 12 को हम 0 में प्लस करेंगे, तो 12 ही रहेगा पॉइंट। अब ये हम यहाँ लिख देंगे, ये बन गया किलोमीटर। दिस इज द आंसर। तो एफ पार्ट आपको इसी तरह से करना है, ये आप अपने आप करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू लीटर्स, इसे हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ये मिलीलीटर में है, सभी मिलीलीटर में है, इन सभी को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ये 9 मिलीलीटर। तो पहले हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर इक्वल, अब देखो लीटर कितना होता है, 1 लीटर में मिलीलीटर होता है 1000, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो 1/1000 ये बन जाएगा लीटर। अब ये लिखेंगे हम, प्रोसेस बच्चों वही है, 9/1000 आ जाएगा ये लीटर। अब देखिए 3 0 है, डिजिट हमारी 1 है, तो अभी 2 डिजिट कम है, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे, तो 3 डिजिट हो गई। अब यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, ये बन गया लीटर। ये आंसर, इसे देखिए इसे भी करना है। पहले हम यही लाइन लिखेंगे, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। अब ये लिखेंगे हम, 28 मिलीलीटर इक्वल, अब 28/1000 यहाँ आ जाएगा लीटर। देखो 1 2 3 0 है, तो ऊपर हमारी डिजिट कितनी है, 1 2, यानी अभी 1 डिजिट कम है, तो यहाँ हम 1 0 लगा देंगे, तो 3 हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 2 8, 3 डिजिट हो गए। अब यहाँ पर पॉइंट, ये आपको 0 लगाना है, ये तो बाई मिस्टेक हो गया है, 0 ये बन जाएगा लीटर। दिस इज द आंसर। इसी तरह से आप देखिए सी, ये 230 है, पहले हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। अब ये नंबर लिखेंगे हम,
अब ये लिखेंगे पहले हम अपॉन 1000 लीटर। देखो 1 2 3 0 हैं, ऊपर 1 2 3 डिजिट है, यानी कि इक्वल है, हमें कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा सबसे लास्ट में, तो 0.230, अब यहाँ पर 0 लगा देंगे, ये बन गया लीटर। सो दिस इज द आंसर। अब देखिए डी पार्ट, पहले हम लिखेंगे 1 मिली लीटर इक्वल 1 अपॉन 1000 लीटर। अब ये नंबर लिखेंगे हम 1225 मिली लीटर इक्वल, अब ये नंबर लिखिए अपॉन 1000 आ जाएगा, ये बन गया लीटर। देखो 1 2 3 0 हैं, तो हम ऊपर 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 और 2 के बीच में। देखो 1.225, देखो 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया, ये बन गया लीटर। दिस इज द आंसर। यानी हमें सिर्फ 1 3 डिजिट ही काउंट करनी है, उसके बाद हमें डेसिमल लगाना है, ठीक है। अगर डिजिट बचती है तो यहाँ डिजिट आ जाएगी, नहीं है तो 0 लिखेंगे। ई पार्ट सेम इसी तरह से करना है, 1 मिली लीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 लीटर। लिखेंगे हम ये नंबर लिखेंगे इक्वल अपॉन 1000 लीटर। देखिए 1 2 3 0 है, तो ऊपर से 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 6 और 1 के बीच में लीटर। दिस इज द आंसर। तो एफ पार्ट आप अपने आप करेंगे। सो योर एक्सरसाइज 5.3 इज कंप्लीटेड एंड योर चैप्टर 5 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क अप टू एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।